दोस्तों स्वागत है हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आने वाली हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गंधारी के साग के बारे में, तो बने रहे हमारे वीडियो में, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जय जवान जय किसान। दोस्तों हमारे यहाँ इसे तो गंधारी का साग बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें, और कहीं कहीं इसे लाल साग भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो साग होता है सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो दोस्तों आप सब देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा खेत है गंधारी का साग का, और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं बिल्कुल फूल की तरह। जितना ये देखने में खूबसूरत लगते हैं उतने टेस्ट में भी खूबसूरत होते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों वैसे तो माना जाता है कि साग जितने भी होते हैं सब आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, सबसे ज़्यादा आँखों को फ़ायदा होता है, और साग जितने भी होते हैं आँखों के अलावा शरीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। बहुत ही डॉक्टर भी बोलते हैं हमेशा कि साग का सेवन करना चाहिए हमेशा। हमें बताएं दोस्तों कि आपको कैसे लगते हैं गंधारी के साग आपको कैसे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं या नहीं। ये देखिए इतने बड़े प्लांट, इतने बड़ा खेत है, इसमें साग, ये गंधारी का साग उपजाया गया है। दोस्तों गंधारी का साग बहुत ही अच्छे कीमत पर भी बिक जाते हैं, तो इनसे किसानों को लाभ भी मिलता है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों तो बने रहें, और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे इसी तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और तो मिलते हैं हम फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही शानदार आने वाला है। तो चलते हैं हम। जय जवान जय किसान।